अभी जो ईरान में ये कोरोना वायरस जो है फैला हुआ है, उसमें आप क्या कहना चाहते हो, किस तरह से बचाव वहाँ पर ईरान कर रहा है अपने लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इस वक्त बहुत एक अहम मरहला ये है कि ईरान में कोरोना वायरस जो है वो काफ़ी फैल गया है, और आज जो BBC की न्यूज़ उसकी साइट पे पड़ी हुई है, उस एतबार से ये निकला है कि 388 मरीज हैं और 34 लोग जो हैं वो इंतकाल कर गए हैं। आज हमारे पास ईरान से लड़कों ने राबेता किया और वहाँ तालिबेन बहुत परेशान हैं, और परेशानी के साथ साथ उनके वालिदैन यहाँ परेशान हैं। अच्छा, वहाँ पर ईरानी कितने हैं और इंडियन कितने हैं वहाँ पर? नहीं, वहाँ ईरान में तो ईरानी सब हैं, लेकिन इंडियन तकरीबन मैं समझता हूँ कि 2000-1500 के आसपास स्टूडेंट हैं, और जो कुम में और मशहद में सिर्फ दो जगहों के ऊपर हैं। अच्छा, यहाँ पे टूरिस्ट भी आते हैं, ये ज़ियारत हैं, मकामात मुक़द्दसा यहाँ पर हैं, तो यहाँ रहते हैं। प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त जो लोग वहाँ से आना चाह रहे हैं इंडियन, वो नहीं आ पा रहे हैं। आज मुझसे लड़कों ने इस बात का तकाजा किया कि मैं आप लोगों के ज़रिए और अपनी गवर्नमेंट तक इस बात को पहुंचाएं कि जिस तरीके से चाइना में आपने जहाज भेज के पब्लिक को बुलाया है, वैसे ही आप ईरान में अपने जहाज भेजिए और वहां से लड़कों को बुलाएं, क्योंकि उनके गार्जियन यहां परेशान हैं और लड़के वहां परेशान हैं। आज समझिए ये रिकॉर्ड बन गया है कि 41 साल इनकलाबे इस्लामी ईरान के हो गए हैं, और 41 साल में आज ये जुमा की नमाज वहाँ नहीं इसीलिए हुई है कि जुमे की नमाज में गैदरिंग होती तो कहीं ऐसा ना हो, खुदा ना खास्ता, ये चीज़ और बढ़ जाए या कुछ और हो जाए, इसलिए आज जुमे की नमाज कैंसिल की गई है। लिहाजा मैंने आज अभी एक लेटर जो है ये अपने फॉरेन मिनिस्टर को भेजा है, जनाब जयशंकर साहब को, और उनको ट्वीट किया है कि वो उन इंडियन स्टूडेंट की मदद करें जो इस वक्त ईरान में फंसे हैं, और वो राबिता करें वजारत खारजा, और राबिता करके जो वहाँ इंडियन स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं, तालिब इल्म फंसे हुए हैं, उनको वहाँ से लाने की जो आना चाहते हैं उनकी कोशिश। ईरान क्या वहाँ से बचाव के लिए कर रहा है कोरोना वायरस के लिए?